हिंदी में बहस करो जी, हिंदी में पूरी पूरी हिंदी। ये इंग्लिश शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सिक्स जीरो फाइव सिक्स बोल रहे हो जी, श्रीमान क्षमा चाहूंगा। हाँ, अगर मैं ये शब्द अंग्रेजी को बोला तो हम हियरिंग रोक देंगे। वो नाम ही से लग रहा है बदमाश है सब, तो कितने खतरनाक इंसान होंगे ये। छोटे लाल, छोटा, फिर कालका, फिर छोटा राजन बोलोगे आगे से। एक सम्मान का भाव होता है। आज भी कोई भी पुत्र अपने पिता के साथ और पिता अपने पुत्र के साथ जुआ नहीं खेलेगा श्रीमान। और ज्यादा नौटंकी करोगे तो दिक्कत पड़ जाओगे। क्षमा चाहूंगा, चार छोटी छोटी बच्चियां पितृत्व विहीन हो गई है सर। और सर आज के समय में बिना पिता की बच्चियों का जीवन बहुत संकटापन्न हो जाता है सर। माननीय न्यायालय के समक्ष सर दोष सिद्धि से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सजा के स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका हमारी जो अपील है उसका क्रमांक 5896/2022 है। मैं माननीय न्यायालय की अनुमति। या तो हिंदी में बहस करो जी, हिंदी में पूरी पूरी हिंदी। ये इंग्लिश शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सिक्स जीरो फाइव सिक्स बोल रहे हो जी, श्रीमान क्षमा चाहूंगा। हाँ, 5896/22 है, 5896/2022 क्रिमिनल। और मैं ये शब्द अंग्रेजी को बोला तो हम हियरिंग रोक देंगे। मैं माननीय न्यायालय से विनम्रता पूर्वक, आपने शुरू किया हिंदी में तो हिंदी में पूरा ईमानदारी शुरू करो, वहीं खत्म करो। आपका आपराधिक अपील क्रमांक क्या है जी? आपराधिक अपील क्रमांक है 5896/2022। हाँ, आप अभियुक्त नंबर कौन से हैं? अभियुक्त क्रमांक एक छोटे लाल और छोटा कुशवाहा और कालका। अभियुक्त क्रमांक एक, अपीलार्थी क्रमांक एक। अपीलार्थी क्रमांक एक जी, छोटे लाल और छोटा कुशवाहा। छोटे लाल उर्फ छोटा कुशवाहा उर्फ कालका प्रसाद। कितने उर्फ हैं? माननीय दो हैं। हाँ, क्या क्या हैं? माननीय छोटे लाल उर्फ छोटा उर्फ कालका। छोटा जी, छोटा और उर्फ कालका। कालका जी, अच्छा, वो नाम ही से लग रहा है बदमाश है सब। जो अभी तीन तीन जो है वो उर्फ उर्फ, तो कितने खतरनाक इंसान होंगे ये। छोटे लाल, छोटा, फिर कालका, फिर छोटा राजन बोलोगे आगे से। माननीय न्यायमूर्ति से मेरा एक विनम्र निवेदन है। हाँ श्रीमान, एक परिस्थिति में ये जो व्यक्ति है ये तो सब्जी का धंधा करता है श्रीमान, इसकी चार छोटी छोटी नाबालिग बेटियां देखो ऐसा जो है, आज अपने पिता के स्नेह से वंचित है। ये उस आधार पर माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सर, ये व्यक्ति जीवन के संकट से मोहताज है, उसका परिवार जो है आज सड़कों पर है। इसलिए माननीय न्यायालय से रहम के आधार पर और इस दया के आधार पर कि चार छोटी बच्चियों का भविष्य श्रीमान अंधकार में है, इस आधार पर माननीय न्यायालय से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि छोटे लाल का प्रकरण जो है वो कृपया कर, मेरा निवेदन था कि इस प्रकरण में बहुत सारी विसंगतियां हैं, तो माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि कृपया उस पर दृष्टिपात करें। अभियोजन का केस क्या है जी? माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन्होंने पैरा क्रमांक दो में कहा है कि अभियोजन के अनुसार अजय एवं उसके परिवार वालों के पास नगर पालिका के पानी का ठेका था। अजय कुमार कभी कभी नल के पानी का पैसा अधिक लेता था, इसी बात पर अजय एवं मीरा का विवाद हुआ था, इसी बात की रंजिश अजय रखता था। दिनांक 4/8/2012 को भवानी कुशवाहा एवं उसका भाई हीरा करण सागर तालाब में कपड़े धोने गए थे। तालाब के किनारे लाला राम कुशवाहा, छिंगे और कमल सिंह, अजय कुशवाहा, छोटे लाल छोटा, भूपेंद्र व दो अन्य व्यक्ति एवं फरियादी भवानी का भाई हीरा जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलते खेलते उसके भाई हीरा से सभी लोग मारपीट करने लगे। भूपेंद्र ने उसके भाई हीरा के सिर के दाएं तरफ खंडा पटक दिया जिससे उसका सिर फूट गया। भूपेंद्र ने 12 बोर की बंदूक से एक गोली हीरा कुशवाहा के दाहिने तरफ मारी जो हीरा के दाहिनी हाथ की भुजा में लगी। छोटे कुशवाहा ने 315 बोर के कट्टे से गोली मारी जो हीरा कुशवाहा की कलाई में लगी। सभी ने एक राय होकर उसके भाई को पकड़कर जमीन पर पटक कर लात घूसों से मारपीट की जिससे शरीर में आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय के समक्ष मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वास्तविक अभियोजन की कथा देहाती नालिश प्रदर्शपी दो है। मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रतापूर्वक भवानी के द्वारा लिखित प्रदर्शपी दो पर माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। मैं माननीय न्यायालय की अनुमति से पढ़ सकता हूं। श्रीमान, यही भवानी अपनी देहाती नालिश में कहता है
कि फरियादी ने घटनास्थल करण सागर तालाब के किनारे दतिया में उपस्थित होकर जवानी रिपोर्ट किया। आज दिनांक 4/8/11 को करण सागर तालाब में कपड़े धोने आया था तो तालाब के किनारे लालाराम कुशवाहा, छिग्गूर कमल सिंह कुशवाहा, अजय कुशवाहा, छोटेलाल छोटा कुशवाहा, भूपेंद्र कुशवाहा व अन्य दो व्यक्ति, मेरा भाई हीरा कुशवाहा उम्र 28 साल तालाब के किनारे हाथ पत्तों से जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलते खेलते मेरा भाई हीरा कुशवाहा के सभी लोगों को झगड़ा कर मारपीट करने लगे। तभी भूपेंद्र कुशवाहा ने मेरे भाई के सिर पर दाहिने तरफ खंडा पटक दिया जिससे उसका सिर पट गया, खून निकलने लगा। इन सभी ने एक राय होकर मेरे भाई को पकड़ लिया, जमीन पर पटक कर लात घूसों से मारपीट करने लगे। बाद में सभी लोगों ने कट्टे से फायर किया। मेरी व लालाराम कुशवाहा से पुरानी रंजिश चल रही है, इसी वजह से सभी लोगों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी है। उस समय जितेंद्र वाल्मीकि एवं बलबीर कुशवाहा एवं अन्य लोगों ने घटना को देखी है। माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यहाँ पर वर्तमान अभियुक्त के संबंध में किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचाने का आशय वर्तमान प्रदर्शपी दो के देहाती नालिश लेखकर्ता के द्वारा कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया। माननीय न्यायालय से मैं इसी चीज का ध्यान विनम्रतापूर्वक आकर्षित कराना चाहूँगा। श्रीमान, इसकी शव पर नक्शा पंचायतनामा देखेंगे तो इसकी नक्शा पंचायतनामा की आखिरी से 8वीं लाइन कहती है कि मृतक के दाहिने हाथ भुजा में गोली का घाव है, कलाई के ऊपर व नीचे का घाव है और खून बह रहा है। मृतक काली सफ़ेद चेकदार शर्ट एवं काला लोअर पहना है। माननीय न्यायालय का ध्यान मैं इसी बात पर, मृतक काली सफ़ेद चेकदार शर्ट पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। अभियोजन ने यहाँ पर नक्शा पंचायतनामा में इसकी शर्ट का कलर सफ़ेद काली चेकदार कर दिया है। इसके बाद जिस व्यक्ति ने इसका शव परीक्षण किया है उसके साथ उसने मृतक के खून आलूदा कपड़े पहुँचा दिए। अभियोजन के पास इस बात की क्या क्षमता विद्यमान थी कि जब मृतक का पोस्टमार्टम डॉक्टर करता उसके पहले आपने कपड़े पहुँचा दिए? और इसके बाद इस प्रकरण की हद तो तब हो जाती है जब ये प्रकरण FSL के लिए पहुंचता है। और माननीय न्यायालय का ध्यान मैं विनम्रतापूर्वक इस प्रकरण के FSL पर दर्ज कराना चाहूंगा जिससे स्पष्ट होता है कि अभियोजन स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आया, जहां पर ये बताते हैं कि चेक शर्ट का कलर हरे रंग का हो गया है। माननीय न्यायालय से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में तीन तरह की शर्ट कैसे पहन सकता है। दूसरी बात, ये लिखते हैं थाना आर्टिकल डी पर हार्डिंग हॉस्पिटल दतिया की सील लगी हुई है। माननीय विद्वान न्यायमूर्ति के समक्ष मैं ये अभियोजन पर ये आक्षेप उत्पन्न करता हूँ कि हार्डिंग हॉस्पिटल दतिया में किसी भी प्रकार से मृतक के कोई कपड़े बरामद ही नहीं हुए हैं। न्यायाधीश द्वय बोलिए जी, न्यायाधीश महोदय नहीं, न्यायाधीश द्वय, क्षमा चाहूंगा श्रीमान, दो लोग बैठे हैं जी। माननीय विद्वान न्यायमूर्ति गण श्रीमान, इन्होंने हरी शर्ट बताई, पहले आपने काली शर्ट बता दी, आप फिर हरी शर्ट बताते हैं, इसके बाद शर्ट का कलर उसका जो भवानी है वो सफेद बताता है। श्रीमान, हर बदली परिस्थितियों में इसकी शर्ट का कलर बदल जाता है। वर्तमान अभियुक्त से किसी भी प्रकार की कोई जब्ती, कोई स्वीकारोक्ति कथन माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पर मौजूद नहीं है। हमसे किसी भी प्रकार की कोई जब्ती नहीं होती है। इस प्रकरण की हद तो तब होती है जब इस पूरे प्रकरण में, मगर मैं माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, छोटे कुशवाहा तो आप ही है ना जी सर। श्रीमान, माननीय न्यायालय 315 के कट्टे से गोली मारी हमसे कोई जब्ती, जो हीरा कुशवाहा कलाई में लगी है। श्रीमान, कलाई में चोट है मैडम? नहीं, कलाई में चोट नहीं। अभी कितना समय हुआ आपको? जी श्रीमान, 7 माह हो गए, लेकिन माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्त गणों को, 7 माह हुए हैं जी, माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्त गणों को भी जमानत का लाभ प्रदान किया है। कौन है सर? ये जो है इसमें एक है कमल सिंह उर्फ छिंगा और इसमें है लालाराम कुशवाहा, जिन्हें 28/11/2022 और 6/1/2023 के आधार पर, कमल सिंह जी, कमल सिंह उर्फ छिंगा और लालाराम कुशवाहा। श्रीमान, यहाँ पर ये बताते हैं कि जुआ खेल रहे हैं, लेकिन कलयुग के समय में कोई पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते, और जुआ खेलने का मतलब केवल पत्ते नहीं होते, इन्होंने पत्ते जब्त किया, कहीं पर मौके पर कोई धन बरामद नहीं हुआ। तुमसे कोई यहाँ का इतिहास साहित्य नहीं पूछ रहा है जी श्रीमान, लेकिन ये बता रहे हैं कि जुआ पैसा बरामद नहीं करते। ये किसने कह दिया पिता पुत्र साथ में जुआ नहीं खेलते? नहीं श्रीमान, पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते। कहाँ रहने वाले हो सर? मैं छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा में नहीं खेलते क्या पिता? आज भी सर एक सम्मान का भाव होता है, आज भी कोई भी पुत्र अपने पिता के साथ और पिता अपने पुत्र के साथ जुआ नहीं खेलेगा श्रीमान। और ये जो प्रकरण बता रहे हैं ये जो आपका ये आपका अपने सेल्फ स्टाइल अजम्पशन है आपका श्रीमान। एक छोटा सा निवेदन और करूंगा। नहीं श्रीमान, मेरा निवेदन ये आपकी बात मानने को तैयार नहीं है।
ये आपकी सोच हो सकती है श्रीमान, यहाँ पर कोई धन की रिकवरी नहीं है ना, लेकिन ये कहना कि पिता और पुत्र साथ में जुआ नहीं खेल सकते, पूरा परिवार, एक पूरा परिवार, एक पूरा परिवार है, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते श्रीमान। और दूसरी बात, जिन लोगों को ये आप केवल अपने अपने केस को मजबूत करने के लिए बोले जा रहे हैं, माननीय न्यायालय से मैं एक निवेदन विनम्रता पूर्वक करूंगा, सर मेरा केस की मजबूती की बात नहीं है, डॉक्टर पी पी पाठिया बताते हैं कि जुआ नहीं खेल रहे थे जी, जुआ नहीं खेल रहे थे, बताते हैं कि कोहनी के ऊपर और कोहनी के मध्य भाग में चोट है, कलाई की चोट तो फिर भी नहीं है, हमसे कोई जब्ती भी नहीं है। और माननीय न्यायालय से निवेदन है सर, चार छोटी छोटी बच्चियां हैं सर, वो अपने पिता के स्नेह के अभाव में बहुत वंचित है, और दो लोगों को माननीय न्यायालय ने जमानत का लाभ दे दिया है श्रीमान, और इनके प्रकरण से हमारा प्रकरण भी भिन्न नहीं है। और सर ऐसी स्थिति इन दोनों को भी, तो इन दोनों के खिलाफ भी तो भवानी ने इसी बात का एलिगेशन लगाया था कि इन्होंने गोली चलाई, कितने दिन रहे वो लोग सर? ये लोग तो और जल्दी निकल गए सर, एक एक महीने में, दो दो महीने में निकल गए, माननीय न्यायालय ने लाभ दे दिया सर। ये देखिए ना श्रीमान, आपका ऑर्डर है श्रीमान, दिखाओ एक का, ये है आपका ऑर्डर है, कमल सिंह और छिंगा का 6 का और 28/11 का लाला राम कुशवाहा का श्रीमान। श्रीमान इनसे हमारा प्रकरण भिन्न नहीं है सर। ये मैडम देखो आप, है क्या इनकी पैरिटी है क्या? इन जो स्त्री के खिलाफ, कमल सिंह के खिलाफ क्या एलिगेशन है? सेम एलिगेशन है श्रीमान, आप दिखाओ श्रीमान। मैं नहीं नहीं मैं, गोली मारी क्या कमल सिंह ने? सभी सभी लिखे, सभी एक राय होकर सबने गोली मारी। नहीं नहीं जी, देखो ध्यान रखो, छोटे के बारे में लिखा है, छोटे ने गोली मारी, कलाई में लगी। नहीं श्रीमान, देहाती नालिश में तो गोली मारने का लेख ही नहीं है, गोली तो सबके द्वारा मारी गई है, और कलाई का, तो कलाई का जो लेख ये कर रहे हैं, ये एफआईआर की विषय वस्तु ही नहीं है। प्रथम देहाती नालिश जो है उसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्पेसिफिक इस बात का वर्णन माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं है कि इन्होंने गोली मारी हो। और दूसरी बात, पढ़ो फिर से पढ़ो देहाती नालिश। देहाती नालिश में माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा सर श्रीमान, ये देहाती नालिश में स्पष्ट करते हैं, जुआ खेलते खेलते मेरा भाई हीरा कुशवाहा को सभी लोग झगड़ा कर मारपीट करने लगे, तभी भूपेन कुशवाहा ने मेरे भाई के सिर में दाएं तरफ खंडा पटक दिया, ये हम नहीं है श्रीमान, जिससे उसका सिर फट गया तथा खून निकलने लगा, इन सभी ने एक राय होकर मेरे भाई को पकड़कर जमीन पर पटक कर लात घूसों से मारपीट करने लगे, बाद में सभी लोगों ने कट्टे से फायर किए, मेरी व लाला राम कुशवाहा की से पुरानी रंजिश चल रही है। माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि उसने सभी व्यक्तियों के बारे में बताया कि सभी लोगों ने गोली चलाई, यहाँ पर कहीं पर इस बात का लेख उसने नहीं किया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में कि छोटे की गोली उसकी कलाई में लगी। और अगर मान लीजिए श्रीमान कुछ देर के लिए इस बात को मान लेते हैं, तो माननीय न्यायालय इतने उदात्त हैं कि सर वो मार्मिक भाग नहीं है सर कोहनी, जिसके आधार पर किसी की जान जा सके। और दूसरी बात श्रीमान, हमारा स्पेसिफिक हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं, हमारे खिलाफ कोई रोल नहीं है, ऐसी दशा में श्रीमान मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चार छोटे छोटे बच्चे और इन्हीं पैरिटी के आधार पर माननीय न्यायालय जमानत का लाभ दिया। कि एफआईआर में जी इन लोग खिलाफ क्या एलिगेशन है, कमल सिंह के खिलाफ समान रूप से सबके खिलाफ एक जैसा एलिगेशन है सर, देहाती नालिश को ही तो उन्होंने एफआईआर में कन्वर्ट किया। एफआईआर देखिए, नहीं ऐसा नहीं है श्रीमान, इन्होंने यही देहाती नालिश की। और श्रीमान मैं अभियोजन की इस बात का घोर विरोध इस आधार पर भी माननीय न्यायालय के समक्ष करना चाहता हूं। देखो विरोध तब करना, पहले उनको बहस करने दो, और ज्यादा नौटंकी करोगे तो दिक्कत पड़ जाओगे। नहीं क्षमा चाहूंगा, बैठ जाओ चुपचाप। आप बताएं मैडम, पैरा जजमेंट में झगड़े में भूपेंद्र ने हीरा कुशवाहा के सिर पर डंडा मारा, जिससे उसका सिर फट गया।
क्या कहना? मैं माननीय न्यायालय से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, हर बदली बदली परिस्थितियों में ये व्यक्ति बदले बदले बयान दे रहा है। नहीं, शुरुआत में देहाती नालिश में हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं। 161 के बयान क्या बताओ श्रीमान, इसके 161 के बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुए, 3 दिन विलंब से। हम क्या कह रहे हैं आप दीक्षित, अगर उसमें और ऑक्युलर एविडेंस में डिफरेंस बताओ। जी जी श्रीमान, हमारे खिलाफ उसने जो कहा है, तभी लाला राम बोला, देखिए यहाँ से बोलता है, जुआ खेलते समय मेरे भाई हीरा कुशवाहा एवं सिंह लोगों से झगड़ा हो गया, तभी लाला राम कुशवाहा, छिग्गे कमल सिंह कुशवाहा, छोटे और छोटेलाल कुशवाहा, अजय कुशवाहा, भूपेंद्र कुशवाहा व अन्य दो व्यक्ति एक राय होकर हीरा कुशवाहा से झगड़ा कर मारपीट करने लगे, तभी भूपेंद्र कुशवाहा ने हीरा कुशवाहा के सिर में खंडा मार दिया, दाहिने तरफ लगा, तभी लाला राम बोला कि साले को गोली मारो, सोई भूपेंद्र कुशवाहा ने 12 बोर की अधिया से गोली मारी जो हीरा कुशवाहा के सिर में दाहिने तरफ लगी, सोई अजय कुशवाहा ने 315 बोर के कट्टा से गोली मारी जो दाहिने हाथ की बाजू में लगी, छोटा कुशवाहा ने 315 बोर के कट्टे से गोली मारी जो दाहिने हाथ की कलाई के पास लगी, खून बहने लगा, तभी इन सभी लोगों से मेरे भाई हीरा को लाला राम व छिग्गे ने पकड़कर लात घूसों से मारपीट की, जिससे हीरा कुशवाहा के दाहिने तरफ पसलियों में चोट होकर खून निकलने लगा। है तो खिलाफ एक निवेदन और करूंगा सर, मार्मिक भाग में माननीय न्यायालय के समक्ष मार्मिक भाग में कोई क्षति नहीं आई है ना हो श्रीमान, कोहनी में सर जो कोहनी की गोली है ये नहीं बताई गई है, डॉक्टर बताता है कि प्राण घातक क्षति जो थी वो खंडा से, ये बता दो इन लोगों के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन था क्या, कमर और कौन दूसरा वाला कौन है वो? सर इन लोगों को तो इस आधार पर भी मिथ्या आरोप कर दिया क्योंकि मौके पर मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि इन लोगों को तो झूठा फसाया जा रहा है सर, सभी लोगों को, किसी एक व्यक्ति से झगड़ा था, पहले किसी ने खंडा पटक दिया फिर गन शॉट इंजरी, एक ही ऑर्डर है ना कमल सिंह के ऑर्डर नहीं सर, एक और ऑर्डर है श्रीमान, दो ऑर्डर है श्रीमान इस आधार पर भी सर, और उसकी 4 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं सर, सिर्फ 4 छोटी-छोटी बच्चियाँ पितृत्व विहीन हो गई हैं सर, और सर आज के समय में बिना पिता के बच्चियों का जीवन बहुत संकटापन्न हो जाता है सर, और ये व्यक्ति बहुत जीवन बहुत मजदूरी के साथ बहुत गरीबी के साथ जीवन यापन करता है, दूसरा कौन सा ऑर्डर है? ये सब तो ऑलरेडी वही ऑर्डर है, एक ही को बेल हुआ है, नहीं दो का हुआ है सर, दो का कमल सिंह का 28/11 कमल सिंह का और ये लाला राम का 6-1 एक और एक 28/11 सर वो है, ये दोनों कॉपी सर, इसके 4 बच्चों हैं, देखते हैं, विल कंसीडर।